अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? ये बताएं कि मेरी आवाज क्लियर है। सेकंड ये बताएं कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, तो चलें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। काइंडली अपने माइक्स ऑफ कीजिएगा। हमारा आज का लेक्चर है मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा आज पहला लेक्चर है इसके अंदर हम मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, और फिर जो इसका सेकंड हाफ होगा उसके अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मलेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। मलेशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं उसमें या तो प्रेजिडेंशियल सिस्टम था या सेमी प्रेजिडेंशियल सिस्टम था। और ईरान का हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो वो एक थियोलॉजिकल स्टेट थी। लेकिन जो मलेशियन स्टेट है, एक तो ये इसके पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेकंड ये कि इसका जो हेड ऑफ स्टेट है ये किंग है। तो यहाँ तक तो हमें सेम ब्रिटिश सिस्टम समझ आता है, लेकिन इसके साथ साथ जो हेड ऑफ स्टेट है मतलब वो जो किंग है वो इलेक्टेड है। जैसे बर्तानिया का होता है किंग के वो फॉर लाइफ होता है, ये इस तरह से नहीं है, ये इलेक्टेड है। इसको कौन इलेक्ट करता है? वो मलेशिया की 13 स्टेट्स हैं, 13 में से 9 स्टेट्स के अंदर प्रिंसेस होते हैं। प्रिंस बेटा अपना माइक काइंडली ऑफ करो। तो मलेशिया की 13 स्टेट्स हैं, 13 में से 9 स्टेट्स के अंदर प्रिंस होते हैं, जबकि बाकी जो 4 स्टेट्स हैं वहां पर प्रिंस नहीं होते, वहां पे गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो 13 इनके प्रिंसेस हैं वो मिलकर एक किंग को इलेक्ट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो मलेशिया जो है इसका रूल कौन करता है? मोनार्क करता है, किंग करता है। ब्रिटिश तो जो है वो फीमेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे फीमेल का कंसेप्ट नहीं है। जो मलेशिया का रूलर होगा ये मेल होगा और ये किंग कहलाता है, और ये हेड ऑफ द स्टेट होता है। ये 5 साल के लिए इलेक्ट होके आता है। फिर उस काउंसिल में मैंने आपको बताया कि एक काउंसिल होती है, और उस काउंसिल के अंदर उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रिंसेस कहते हैं, रॉयल कॉन्फ्रेंस भी इसको कहा जाता है। तो उस कॉन्फ्रेंस में टोटल 13 लोग होते हैं, 13 में से 9 प्रिंस होते हैं, 4 गवर्नर्स उसके मेंबर होते हैं, लेकिन इनका जो गवर्नर्स होते हैं वो जस्ट मेंबर्स होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता बादशाह को मुंतखब करने के लिए। सेकंड ये कि वो उसके लिए कैंडिडेट्स भी नहीं बन सकते। उसका कैंडिडेट जो है वो भी एक प्रिंस बन सकता है, और सेकेंड ये कि उसके लिए वोट भी सिर्फ वो जो 9 प्रिंसेस हैं वो देते हैं, और थर्ड ये कि इसके पास ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द रूलर्स है इसके पास किंग को हटाने का इख्तियार भी है। जरूरी नहीं है जिसको किंग अपॉइंट किया गया वो 5 साल पूरे करेगा। अगर इस कॉन्फ्रेंस को फील होता है कि ये जो प्रिंस है ये जो किंग है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर रहा, तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द रूलर्स है वो इस किंग को रिमूव भी कर सकता। तो मलेशिया के अंदर रूल कौन करता है? मोनार्की। मोनार्की इलेक्टेड मोनार्की है, और ये जो इलेक्टेड मोनार्की है इसकी टर्म 5 ईयर्स है, और 5 ईयर्स से पहले भी इसको रिमूव किया जा सकता है। फिर आपको मैंने बताया कि उस प्रोसेस में टोटल 9 लोग हैं। तो ये जो मोनार्क होता है फिर उनमें से एक को अपना डिप्टी भी मुकर्रर करता है, डिप्टी किंग। और जब एक मोनार्क अपने 5 साल पूरे कर लेता है तो वो दोबारा से कैंडिडेट नहीं बन सकता जब तक कि बाकी उस कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो भी अपनी एक एक टर्म ना ले लें। तो ये रॉयल मजेस्टी और उसके अपॉइंट होने का तरीका क्या है? फिर सेम गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट की 3 बॉडीज होती हैं, तो वहां पे भी 3 बॉडीज हैं। एक उसका लेजिस्लेटिव यूनिट है, एक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है,
और तीसरा क्या है, जुडिशरी। जुडिशल बॉडी जो है ये तो सेपरेट है, जैसे कि पार्लियामेंट्री स्टेट्स के अंदर होती है स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होती है, और एक चीफ कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस है वहाँ पर, फिर उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट है, फिर नीचे फर्दर उसकी डिवीजन है जहाँ पे हाई कोर्ट आ जाती है और लोअर कोर्ट आ जाते हैं। तो ये तो उसकी जुडिशल बॉडी है। और जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसको अपॉइंट रॉयल मजेस्टी ने करना होता है, लेकिन रॉयल मजेस्टी जो है वो इसको जो मतलब इसको खुद से उसको अपॉइंट नहीं कर सकती, वो नीचे जो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है वो जिसको नॉमिनेट करती है सुप्रीम कोर्ट का जज, उसको अपॉइंट करना रॉयल मजेस्टी की जिम्मेदारी होती है। फिर आते हैं उनके लेजिस्लेटिव बॉडी की तरफ। तो उनका जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है ये बाइकैमरल है। बाइकैमरल एक उनकी सेनेट है और एक उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ये हर मुल्क की तरह ये इनका इलेक्टेड है, ये डायरेक्टली इलेक्ट होकर आता है, मतलब दो इसको इलेक्ट करते हैं पॉपुलर वोट के जरिए, ये इलेक्ट होता है डायरेक्टली इलेक्ट का मतलब वो हाउस होता है कि जो लोगों के वोट से अवाम के वोट से बराह रास्त इलेक्ट होकर आते हैं। तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी 5 साल के लिए होता है और ये अवाम के डायरेक्ट वोट से इलेक्ट होकर आते हैं। इनकी तादाद 222 है वहाँ पे, 222 और टर्म 5 ईयर्स है। और ये डायरेक्ट इलेक्ट होने के बाद फिर उनका अपर हाउस आता है सेनेट। सेनेट के मेंबर्स की तादाद वहां पे 70। इसमें फार्मूला ये है कि आपको मैंने बताया मलेशिया की 13 स्टेट्स हैं, तो उन्होंने हर स्टेट को 2 मेंबर्स दिए हुए, तो ये तो हुए 26। 4 मेंबर्स जो है ये कुछ और रीजन भी हैं मलेशिया के अंदर, लाइक कुआलालंपुर जो है वो एक फेडरल रीजन है, इस तरह के 2-3 और रीजन भी हैं, तो उनको 4 सीट्स दी हुई हैं। ये हुए 30, 26 जमा 4 30, और ऊपर की जो 40 सीट्स हैं वो मनार्क की मर्जी के मुताबिक हैं, उन पे अपॉइंटमेंट जो होती है वो मनार्क करता है। हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि मलेशिया की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मलेशिया के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी, 1957 में मलेशिया की अपनी गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई है, तो उन्होंने आइडलाइज किया था सेम ब्रिटिश सिस्टम को, यही वजह है कि ऊपर उन्होंने हेड ऑफ द स्टेट किसको रखा, मोनार्क को, लेकिन उसको देन रिपब्लिक का रंग दिया। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होके आता है। तो ये मलेशिया एक मोनार्की नहीं है, एक रिपब्लिक है, उनका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्ट होके आता है। फिर उसके नीचे जो है उसने बाइकैमरल सिस्टम रखा, बाइकैमरल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी है जो डायरेक्टली इलेक्ट होता है बरतानिया में, इसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। उसके ऊपर सेनेट, सेनेट में उन्होंने डुअल सिस्टम रखा अमेरिकन सिस्टम की तरह, हर स्टेट को 2 मेंबर्स दिए। फिर उन्होंने साथ साथ ब्रिटिश सिस्टम भी वहाँ पर अडॉप्ट किया कि दोनों को, इसमें जो किंग है उसको भी एक प्यार दिया कि 44 मेंबर्स जो हैं इसके वो अपॉइंट कर सकता है उन लोगों को जिनके सर्विसेज होंगी बरतानिया के लिए, जो के टेक्नोक्रेट्स होंगे, अपनी फील्ड के मास्टर्स होंगे। फिर इन दोनों हाउसेस में से ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बजट को पास करना जो है कि इसका काम होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। बाकी जो आम लेजिस्लेशन होती है वो दोनों हाउसेस इनिशिएट कर सकते हैं, और इन दोनों हाउसेस को मिलाकर पार्लियामेंट कहा जाता है। और पार्लियामेंट का बेसिक काम क्या है, लेजिस्लेशन। तो हमने जुडिशरी को देख लिया, हमने लेजिस्लेचर को देख लिया, अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरफ। तो क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपको ये पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसके पास नॉमिनल पावर्स होती हैं, उसकी पावर्स दिखाने की होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली उसके पास पावर्स नहीं होती। प्रैक्टिकली पावर्स को कौन एग्जीक्यूट करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उसको पार्लियामेंट एग्जीक्यूट करती है। और पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूट करती है, कैबिनेट के थ्रू, कि कैबिनेट ये जो जिस पार्टी के पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अक्सरियत होती है वो अपनी हुकूमत बनाती है। तो जिस पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई फिर उसी में से एक शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट को सिलेक्ट करता है, और कैबिनेट सिलेक्ट करने के बाद इनके नाम भिजवाता है रॉयल मजेस्टी को। रॉयल मजेस्टी जो है फिर उनको अप्रूवल देती है तो वो कैबिनेट बन जाती है।
तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपको पता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है ये नॉमिनल एग्जेक्टिव है, ये बराए नाम एग्जेक्टिव है, एक्चुअली एग्जेक्टिव कौन है, कैबिनेट है, और कैबिनेट के ऊपर सारे इख्तियार को कौन इस्तेमाल करता है, प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो कैबिनेट है ये प्राइम मिनिस्टर को भी आंसरेबल होती है, क्योंकि वो इनको अपॉइंट कर रहा होता है और वो लेजिस्लेचर को भी आंसरेबल होती है। तो लीडिंग पार्टी का बंदा प्राइम मिनिस्टर तो बन गया, अब इस प्राइम मिनिस्टर को हटाया भी जा सकता है, जैसा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। इसको हटाने के लिए क्या है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जा सकता है, और सेकेंड ये कि प्राइम मिनिस्टर को खुद भी इख्तियार होता है कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करे, जैसे कि महातीर मोहम्मद ने करंटली किया था, कि उसने जो हुकूमत बनाई वो कोलिशन गवर्नमेंट की, बड़ी वीक कोलिशन बना था वो, और तकरीबन 50-50 की रेशियो थी। तो जो उसके इत्तेहादी थे वो उसको मुसलसल ब्लैकमेल करते थे कि आप हमें फर्दर मिनिस्ट्रीज दें, इसकी पॉलिसीज से वो खिलाफ करते थे। तो इसने फिर क्या किया, इसने प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर दिया था 2019 के अंदर। 2018 में आई गेस इनके इलेक्शन हुए थे, 19 या 2020 के अंदर इसने प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर दिया था। उम्मीद है आपको ये इनका स्ट्रक्चर समझ आया, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। हम आगे इसके फीचर्स को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि इनके सिस्टम के ऊपर, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर कॉलोनियल एज का अफेक्ट है, वो हमने देखा कैसे इन्होंने मनार्को इस्टेब्लिश किया है। चलें एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखें, आपको मैंने बताया था कि इन्होंने जो एक कॉलोनियल एज, इन्होंने वो बरतानिया को कब्जा इनके ऊपर रहा था तो वो अफेक्ट इनके ऊपर था, सेम इसीलिए इन्होंने उसी सिस्टम को आइडियलाइज किया, और क्योंकि बरतानिया में मोनार्क होता है तो इन्होंने अपने लिए मोनार्की चूज की। तो इनका हेड ऑफ स्टेट जो है वो मोनार्क होता है, जैसे पाकिस्तान में तो सदर है, इनका मोनार्क है, और जो मोनार्क है ब्रिटिश मोनार्क तो मेल या फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका जो मोनार्क है वो सिर्फ मेल होता है। फिर जो ब्रिटिश मोनार्क है वो इलेक्टेड नहीं होता, वो फॉर लाइफ होता है और हेरेडिटरी होता है, कि जब एक मोनार्क की डेथ होगी तो उसी का बेटा या बेटी जो है वो नेक्स्ट मोनार्क होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो मोनार्क है ये इलेक्टेड है, 5 साल के लिए आया, 5 साल बाद इसको जाना होगा। जी बेटा बिल्कुल, ये एक एरिस्टोक्रेसी आप इसको कह सकते हैं कि 9 लोगों की एक काउंसिल है, उसी में से मोनार्क बनता है। तो 5 साल के लिए ये इलेक्ट हुआ, ये इलेक्ट कहाँ से हुआ था, एक काउंसिल है वहां पर, मलाइशिया की टोटल 13 स्टेट्स हैं, 13 में से 9 के अंदर जो हुक्मरान है वो प्रिंस होता है, मतलब हर 9 रियासतों का अपना अपना प्रिंस होता है, जबकि 9 नहीं, अच्छा तो 9 स्टेट्स को लीड करता है प्रिंस, हर स्टेट का अपना अपना प्रिंस होता है, जबकि 4 स्टेट्स के अंदर गवर्नर हुक्मरान होता है, और जो गवर्नर होता है उसको किंग ने अपॉइंट किया होता है। तो एक काउंसिल ऑफ रूलर्स होती है जिसमें होते तो ये 13 लोग हैं, लेकिन बेसिकली 9 लोग जो हैं, जो 9 प्रिंसेस हैं, वो खुद को एज ए कैंडिडेट फॉर द प्रेजिडेंटशिप वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, और उन 9 लोगों में से जिसने अपने आप को प्रेजेंट किया है फिर उसके लिए जो वोट होता है वो भी उन 9 लोगों के दरमियान ही होता है, बाकी 4 लोगों का कोई उसमें राइट नहीं होता वोटिंग का। और ये जो फिर 9 लोग हैं, इनमें से एक किंग इलेक्ट हुआ, बाकी जो है वो एक वो अपने लिए फिर डिप्टी किंग नॉमिनेट करता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी 9 लोगों की, ये अगर चाहे तो सिंपल मेजोरिटी के साथ किंग को 5 साल पूरे होने से पहले रिमूव भी कर सकती, और जो बंदा एक बार किंग बन जाएगा तो नेक्स्ट टर्म में वो अपने आप को किंगशिप के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकता, नेक्स्ट टर्म में किसी और को मौका दिया जाएगा, जब तक कि ये 9 के 9 लोग अपनी टर्म ना ले चुके तो दोबारा से वो कैंडिडेट नहीं बन सकता। तो ये उनकी मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलेक्टेड मोनार्की। फिर उसके बाद आपको पता है गवर्नमेंट के 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। जी बेटा, गवर्नर वोट नहीं कर सकता,
गवर्नमेंट के तीन डिपार्टमेंट्स हैं, जुडिशरी है, जुडिशरी में सेम क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसके अंदर एक चीफ कोर्ट होता है यानी कि चीफ जस्टिस होता है, फिर उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और इस तरह से। फिर उनके अगर लेजिस्लेटिव यूनियन की बात करें तो लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट बाई कैमरल है, अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, और अपर हाउस में इसके टोटल 70 मेंबर्स हैं। आपको मैंने बताया था मलेशिया की 13 स्टेट्स हैं। बेटा जब ये बना था मलेशिया तो ये उस वक्त से इनके प्रिंसेस हैं, मतलब वो स्टेट्स थी, बर्तानिया ने स्टेट्स को इस डिफरेंट वे में रूल किया था हर मुल्क में, तो उनकी जो अपनी बादशाहतें थी बर्तानिया ने उनको कायम रखा था, यही वजह है कि वो उस वक्त ही मोनार्क थे, वो किंग्स थे, प्रिंसेस थे अपने अपने स्टेट्स के अंदर, जैसे यहाँ पे हैदराबाद दक्कन में था, कश्मीर में था, तो इस तरह से उनकी भी ये स्टेट्स थी जिनको रूल प्रिंस किया करते थे, तो उनकी वो वाला स्टेटस जो है उसको अभी तक उन्होंने कायम रखा हुआ। तो सेनेट के टोटल 70 मेंबर हैं, 70 में से हर 13 रियासतें, 13 रियासतों में से हर रियासत को दो वोट्स दिए हैं, तो 26 तो वो जिनको रियासतें मुंतखब करके भेजती हैं, चार लोग जो हैं वो कुछ फेडरल टेरिटरीज हैं वहाँ से मुंतखब होकर आते हैं, जो बाकी 40 लोग हैं ये टेक्नोक्रेट्स होते हैं जिनको बादशाह अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है ये डायरेक्ट अवाम के वोट से इलेक्ट होकर आता है, इसके मेंबर्स 222 हैं, ये 225 करंटली 222 इसके मेंबर्स हैं, और ये डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं, फिर यहीं से प्राइम मिनिस्टर बनता है, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वो प्राइम मिनिस्टर बनाती है, प्राइम मिनिस्टर फिर अपनी कैबिनेट बनाता है, कैबिनेट के जरिए एग्जीक्यूटिव को रूल किया जाता है, और जो किंग है वो ब्राइनान किंग है, मतलब वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, और जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, अलबत्ता जो मलेशिया का किंग होता है इसको हेड ऑफ इस्लाम भी माना जाता है, हर स्टेट के अंदर जो उसका प्रिंस होता है वो हेड ऑफ इस्लाम भी होता है, लेकिन जो मलेशियन किंग है ये मलेशिया का हेड ऑफ इस्लाम होता है, हेड ऑफ इस्लाम के अलावा जो इसकी अपनी रियासत है उसका भी हेड ऑफ इस्लाम है, वो जो चार रियासतें जहाँ पे गवर्नर्स हैं प्रिंस नहीं है ये उनका भी हेड ऑफ इस्लाम है, और वहाँ पे इसके नीचे इस्लामिक काउंसिल्स काम करती हैं जो कि लेजिस्लेशन को देखती हैं कि लेजिस्लेशन जो है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था, हम इसको आगे चल के देखते हैं अब कॉलोनियल एज पे इसको परफेक्ट है वो कैसे है, हमने देखा कि इनका सिस्टम सारा वहीं से लिया हुआ है। फिर इन्होंने इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया, स्टेट रिलीजन, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये क्या है, ये एक सेकुलर स्टेट है। तो हमने ये बता सकते सेकुलर स्टेट का कोई मजहब नहीं होता, सेकुलर स्टेट वही होती है जिसका मजहब से कोई लिंक नहीं होता। तो यहाँ पर उन्होंने ये किया कि उन्होंने आपको सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम एक स्टेट रिलीजन होगा, लेकिन इस्लाम के अलावा जो अदर रिलीजन हैं उनको भी यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा सकेगा, और ये जो इस्लाम की एक हमने इसकी छाप को एक्सेप्ट किया है ये जस्ट एक एक्सेप्टेंस है, इससे ज़्यादा इस्लाम का स्टेट के अफेयर्स में कोई अमल दखल नहीं होगा। तो मलेशिया जो है इसका स्टेट रिलीजन इस्लाम है, लेकिन वो एक सेकुलर स्टेट है, मतलब स्टेट के अफेयर्स के अंदर इस्लाम का कोई बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं होगा। फिर इन्होंने एक और काम किया जो बड़ा अजीब सा है, इन्होंने ये किया कि स्पेशल ट्रीटमेंट, इन्होंने कहा है कि स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा किस किस के साथ, मलाय के साथ, इसके अलावा कुछ इसके रीजन्स हैं और उनमें एक सबाह का रीजन है और दूसरा सरवाक का रीजन है, तो ये जो तीन कम्युनिटीज हैं इन्होंने ये कहा कि इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे, कि इनको सर्विसेज के अंदर सेपरेट कोटे दिए जाएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनके लिए अलग से कोटे रखे जाएंगे, स्कॉलरशिप्स, इसके अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें इनके लिए स्पेशल कोटा फिक्स किया जाएगा। अब ये चीज़ थोड़ी सी अजीब है कि दुनिया में अगर पाकिस्तान की बात करें तो कोटे किसको दिए जाते हैं, माइनॉरिटीज को दिए जाते हैं, लेकिन जिन कम्युनिटीज को ये कोटास दे रहे हैं ये बेसिकली मेजॉरिटी हैं मलेशिया के अंदर, तो ये दुनिया में वाहिद स्टेट है कि जहाँ पे मेजॉरिटी ने अपने लिए कोटा फिक्स किए हैं, और ये फिक्स करने की वजह जो है अगेन वही है, जब ये बने थे तो ये इंडिपेंडेंट रीजन्स थे, सबा और सरवाक वही इनके साथ शामिल हुए थे, उन्होंने अपने लिए एक डोमिनेंट स्टेटस जो है वो मांगा कि आप हमें इस बात को अश्योर करें कि हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारे जो एक होल्ड है वो आप उसको इंश्योर करेंगे, और जो मलाएँ हैं ये वैसे ही वहाँ की मेजॉरिटी हैं, और ये वो लोग हैं जो खुद को मलाया कहें और ये मुस्लिम भी, तो मुस्लिम मलायज जो हैं उनके लिए, और ये जो दो और कम्युनिटी थे इनके लिए वहाँ पे स्पेशल कोटा फिक्स किया हुआ है, और ये दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई चीज़ है,
कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेजोरिटी को अलग से कोटा दे रहा है जबकि माइनॉरिटीज को कोटे दिए जाते हैं। मलाई लैंग्वेज जो है उसको मलाशिया की स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर किया हुआ है और इसने इलेक्टेड और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है वो कैसे इलेक्ट होती है वो हम देख चुके हैं। फिर यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है कि 13 रियासतें तो हैं लेकिन क्योंकि फेडरल सिस्टम है फेडरल सिस्टम में जो जैसे पाकिस्तान है पाकिस्तान में सिंगल सिटीजनशिप है कि आप चाहे पंजाब में हैं चाहे आप सिंध में रहते हैं तो आप की सिटीजनशिप क्या होती है पाकिस्तान में। सेम सिस्टम मलेशिया में है तो उन्होंने सिंगल सिटीजनशिप जो है उसको अडॉप्ट किया हुआ है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में आप अपने स्टेट के भी सिटीजन होते हैं और फिर आप अमेरिका के भी सिटीजन। फिर बाइकैमरल सिस्टम है, एक लॉयर हाउस है और एक अपर हाउस है। लॉयर हाउस को कहा जाता है दीवान रकायत और इंग्लिश में इसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो अपर हाउस है सेनेट उसको कहा जाता है दीवान नगारा, ये मलेशिया की लोकल लैंग्वेज में, और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो सेनेट कहलाता है। अब मोनार्की को देखते हैं, मोनार्की के लिए जो वहाँ पे टर्म इस्तेमाल होती है वो है यवान डी, ये यवान डी बर्टन अगोंग, यवान डी बर्टन अगोंग, इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है YDPA। तो इसका मतलब क्या होता है, ही हु इज मेड लॉर्ड, के वो जिसको हुकूमत दी जा रही है, ये मलेशिया के लोकल लैंग्वेज में है। वैसे हम इसको इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं और वहाँ पे इसकी टर्म यूज होती है YDPA या जॉन डी बर्टन अगोंग। और ये इलेक्टेड है 1957 में जब मलेशिया बना था तब से इसको एस्टेब्लिश किया गया है और ये तब से इलेक्टेड ही चल रहा है। और आपको बताया कि मलेशिया के 13 स्टेट्स हैं, जैसे 9 स्टेट्स हैं वहाँ पर जो रूलर है वो प्रिंस होता है, जो बाकी 4 स्टेट्स हैं वहाँ पर गवर्नर होता है। ये जो टोटल हैं ये मिला के क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स। और ये सिंपल मेजोरिटी के वोट के जरिए अपने किंग को इलेक्ट करते हैं लेकिन इसके अंदर गवर्नर्स वोट कास्ट नहीं कर सकते। और इसकी टर्म 5 ईयर्स होती है, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, दोबारा अपने आप को इलेक्शन के लिए पेश नहीं कर सकता जब तक कि बाकी जो 8 लोग हैं वो भी अपनी टर्म पूरी ना कर सकते कर चुके हों। और अपने लिए एक डिप्टी के भी अपॉइंट करता है और इसको हटाया भी जा सकता है 5 साल पूरे होने से पहले विद अ सिंपल मेजोरिटी 5 आउट ऑफ 9। अगर जो प्रिंसेस हैं वो इसके अगेंस्ट वोट दें तो इसको अपना होता छोड़ना पड़ता है। इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ चुके हैं, वहाँ पर भी क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो इसका सेम वही काम है जो कि ब्रिटिश मोनार्क का होता है कि ये नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, ये तमाम मामला में इसके सिग्नेचर्स दिए जाएंगे लेकिन जितने भी मामला हैं उसको करने वाला गवर्नर का कैबिनेट होगी और प्राइम मिनिस्टर होगा। जो एक एक्स्ट्रा चीज एडिशनल चीज इसके साथ अटैच है दैट इज द हेड ऑफ इस्लाम। मैंने आपको बताया था कि जो नॉन प्रिंसली स्टेट्स हैं, नौ स्टेट्स के अंदर जो प्रिंसेस हैं उनमें से एक स्टेट का ये खुद भी है तो उस स्टेट का ये हेड ऑफ इस्लाम है। देन जो 4 नॉन प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका भी हेड ऑफ इस्लाम है। इसके असिस्टेंस के लिए हर स्टेट के अंदर इस्लामिक अफेयर्स काउंसिल होगी और जो इस्लामिक अफेयर्स काउंसिल्स है वो इसको इस्लाम के बारे में गाइड करती रहेगी। जो लेजिस्लेशन है उसको भी देखेगी कि लेजिस्लेशन में कोई ऐसी मसाइल तो नहीं हो रहे कि इस्लाम को अंडरमाइन किया जा रहा हो। तो इस तरह के मामला पर इसको असिस्टेंस मिलती है इस्लामिक अफेयर्स काउंसिल से और ये उसको लीड कर रहा होता है। ये जो मलेशिया के मुफ्तियान होते हैं उनके अपॉइंटमेंट्स भी ये करता है। और आपको बताया था कि 44 सेनेटर्स को ये अपॉइंट करता है, ये सही एक तरह से ब्रिटिश प्रोविजन है कि जहाँ पर जो हेड ऑफ सॉरी जो सेनेटर्स होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट करता है कि तो सेम ये वही वाला पैटर्न है। फिर इसके अलावा ये जो 4 सूबे हैं जहाँ पे प्रिंसेस नहीं होते वहाँ पे अपॉइंट्स करता है गवर्नर्स को। और याद रखिएगा कि ये वाला जो एक पैटर्न है ये तमाम पार्लियामेंट्री स्टेट्स के अंदर होता है। इंडिया को देखिए तो वहाँ पर भी ऐसे ही, पाकिस्तान में भी ऐसे ही, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट होता है वो सूबों के गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। जो सूबे के गवर्नर होते हैं ये बेसिकली फेडरेशन के नुमाइंदे समझे जाते हैं, मतलब जो पंजाब का गवर्नर है ये पंजाब का नुमाइंदा नहीं है, ये पंजाब के अंदर फेडरेशन का नुमाइंदा है। इसीलिए इसको अपॉइंट कौन करेगा, जो फेडरेशन का हेड है, फेडरेशन के हेड कौन है, प्रेसिडेंट होता है। तो वहाँ पर क्योंकि फेडरेशन का हेड मोनार्क है तो जो 4 गवर्नर हैं उनको अपॉइंट करने वाला मोनार्क होता है। फिर जो
जिसके इंडिपेंडेंट रीजन्स हैं लाइक पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद जो है वो किसी सूबे में नहीं आता, तो जो बहरीन का मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर, तो वो भी किसी स्टेट के अंदर नहीं आता, तो उसको लीड कौन करता है, उसको सिटी मेयर चलाता है, तो सिटी मेयर की अपॉइंटमेंट भी मुनाद में करना होती है। फिर क्योंकि ये कमांडर इन चीफ होता है, तो हर हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो अपने स्टेट के अंदर कमांडर इन चीफ होता है आर्म फोर्सेस का, तो ये उसके हेड्स को भी अपॉइंट करता है। अब हम बात करते हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो मेजॉरिटी पार्टी से होता है ये, और ये 5 ईयर्स के लिए बनता है, और ये अपनी सीट से रिजाइन भी कर सकता है, और इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया भी जा सकता है। आपको मैंने बताया कि मलेशिया के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है महाथीर मोहम्मद की, उसने रिज़ाइन किया था अपने ऑफिस से, और वहाँ पे अभी भी करंट अगर आप देखेंगे इसको गूगल करेंगे तो 50-50 दोनों के पास मेजॉरिटी है, और वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि यहाँ जहाँ पे 2 या 3 पार्टी हो, वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई 8-10 जमातें हुकूमत में हैं, तो 8-10 जमातें अपोजिशन के अंदर हैं जिनके पास, जिनमें से 2-3 स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं, तो वो जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज थी कि वो अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करती थी, जिसको महाथीर मोहम्मद ने उसको अटैप नहीं किया। बेटा आपको बताया कि मलेशिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हेड ऑफ द स्टेट है इसके सिग्नेचर्स यूज होते हैं, ये नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो सारी पावर्स को इसके नाम से यूज हो रही होती है, लेकिन ये खुद उसको यूज नहीं कर रहा होता, तो ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं सूबों के गवर्नर को वो अपॉइंट करता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है उन प्रोविंसेस के उनकी एडवाइस पे, जो आर्म फोर्सेज को हेड को अपॉइंट करेगा वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करेगा, तो मतलब एडवाइस आ रही होती है मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये इसके सिग्नेचर्स हो रहे होते हैं, जैसे हमने ब्रिटिश सिस्टम के अंदर पढ़ा था। यस एग्जैक्टली, और जो मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर है इसके पास सेम वही अथॉरिटी है जो कि ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ये मेजोरिटी पार्टी से आता है, 5 ईयर्स के लिए रिजाइन भी कर सकता है, इसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, और ये रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी होता है, मतलब ये कि ये कैबिनेट को अपॉइंट करता है, फिर उस कैबिनेट के जरिए ये सिस्टम को कंट्रोल करता है। जी बेटा, करंटली पाकिस्तान जो है उसके पास मल्टी पार्टी सिस्टम है। फिर अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो हम इसको डिटेल्स में डिस्कस नहीं करते, ये सेम वही फंक्शन है जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपनी स्टेट के अंदर परफॉर्म करता है। अब इसकी पार्लियामेंट को डिस्कस करते हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है आपको बताया था, और बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको दीवान हकायत भी कहा जाता है, जिसके 222 मेंबर्स हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल हैं, और जो अपर हाउस है दैट इज कॉल्ड दीवान हकारा, जिसके 70 मेंबर्स हैं, 26 जो है वो स्टेट की तरफ से इलेक्ट होके आते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, जबकि जो 44 मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट किया जाता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, किंग करता है। अगर हम मलेशियन पार्लियामेंट के फंक्शंस की बात करें तो अब यहाँ पे अगेन सेम वही फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट परफॉर्म करती है, लॉज को बनाती है, लॉज को अमेंड कर सकती है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो अनसरेबल होती है पार्लियामेंट के सामने, ये बजट को पास कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, तो ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं जो कि एक पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रीटीज़ होती हैं, जो बाहर वायदे हुए होते हैं उनको ये रेटिफाई कर सकते हैं, तो ये बेसिक फंक्शन है पार्लियामेंट के, जिसको हमने हर जगह पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हाँ इलेक्टोरल फंक्शन भी होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो स्पीकर होता है, उसको कौन इलेक्ट करता है, उनको पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। यहाँ पे इनके पास दो और चीज़ें, वो क्या है, इंक्वेस्ट और इंटरपलेशन। इंक्वेस्ट और इंटरपलेशन जो है ये बेसिकली इनके पास इंक्वायरी की दो इकसाम हैं, दो टाइप्स हैं इनके पास, जिनके जिनके जरिए ये इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वेस्ट क्या है कि ये देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा मामला एग्जीक्यूटिव के ऊपर, कि एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो जनरल इंटरेस्ट के खिलाफ था, अगर ये जनरल इंटरेस्ट के खिलाफ है तो ये उसके खिलाफ इंक्वायरी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसको कहा जाता है द राइट टू इंक्वेस्ट, कि इन्होंने इंक्वेस्ट किया है। और दूसरा है इंटरपलेशन, जो पार्लियामेंट है ये बेसिकली मलेशिया की आइडियोलॉजी की प्रोटेक्टर भी है, जो मोनार्क है वो
इनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी का प्रोटेक्टर है, और जो पार्लियामेंट है ये मलेशिया की स्टेट आइडियोलॉजी की प्रोटेक्टर है। तो ये देखेंगे कि क्या एग्जीक्यूटिव का कोई भी काम जो है वो मलेशिया की स्टेट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये उसके अगेंस्ट ही इंक्वायरी एस्टैब्लिश कर सकते हैं और वो कहलाएगी इंटरपोलेशन। तो इंक्वेस्ट और इंटरपोलेशन जो है ये इनके पास दो एक्स्ट्रा अथॉरिटीज हैं जिनके जरिए ये क्या कर सकते हैं, ये इंक्वायरीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर इंक्वायरी एस्टैब्लिश होती है तो फिर क्या होता है, कमीशन एक बनाया जाता है। कमीशन जो है वो फिर फर्दर उसके ऊपर देखने के बाद अपनी सजेशन देता है, सजेशन के मुताबिक फिर एक्शन लिया जाता है। अगर तो उसका ताल्लुक पार्लियामेंट से है, उसका सॉरी कैबिनेट से उसका ताल्लुक है, तो फिर उसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके खिलाफ जो सजाएं हैं वो रिकमेंड की जा सकती हैं एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव उसके खिलाफ एक्शन ले। तो बेटा ये आज का लेक्चर है, आप मुझे बताएं आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में? अच्छा मजा नहीं आया यार, उसका तो कैंसिल किया जा सकता है। ये हमारा जो आज का टॉपिक है ना, ये समझने के जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन थे उस पर आप ही लेक्चर है आज। उसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, कल से इंशाल्लाह पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे जिसमें हम पहले प्री पार्टीशन की हिस्ट्री को देखेंगे और फिर पोस्ट पार्टीशन की हिस्ट्री को देखेंगे, और फिर हम जो तीन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है उनको कंपेरेटिवली देखेंगे। फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ 18 अमेंडमेंट है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन इदारे हैं जिनके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, मोस्टली PMS के अंदर और CHS के अंदर भी उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसको हम देखेंगे। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, अभी जो हमने मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ये PMS के अंदर नहीं है, ये सिर्फ CHS के अंदर शामिल है। तो वो लोग जो PMS के एस्पिरेंट्स हैं वो इसको याद नहीं करेंगे, जो PMS CHS दोनों को लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट कर सकें। बेटा लेक्चर एंड हो गया, अब आप लोग अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम सर। अस्सलाम सर, आप तो ऑन कर सकते हैं, लेकिन सर जैसे वहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग होती थी ना सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो अच्छी तरह से ब्रीफली समझ आता था। अब सर यहाँ क्वेश्चन लिखना पड़ता है तो सर वो जब तक हम लोग लिखते हैं तब आप आगे चले जाते हैं सर, तो फिर आपको फिर दोबारा या फिर जैसे रिकॉर्डिंग हो रही होती सर तो आप कहते हैं आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो सर इस तरह से वो चस नहीं आ रही सर। सर ये इंक्वायरी जो एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कर सकती है मलेशियन पार्लियामेंट, इसमें ऑपोजिशन भी इसमें अपना रोल अप कर सकते हैं, मतलब लेस मेजोरिटी में है पड़ी, तो वो इसे इनिशिएट करा सकती है या वो मेजोरिटी की तरफ ही होगा? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कमेटीज होती है, सॉरी असेंबली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज होती है, तो कमेटीज के अंदर हुकूमत अपोजिशन दोनों के काम शामिल होते हैं। अगर अपोजिशन को भी लगता है कि इस तरह का मसला है तो इंक्वायरी को इनिशिएट कोई भी कर सकता है, अपोजिशन भी कर सकती है हुकूमत भी कर सकती है, क्योंकि ये पार्लियामेंट की डिस्क्रिशन है। और उसके बाद अगर अपोजिशन भी करती है तो भी हुकूमत को इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब वो मामला जाएगा डिसीजन के ऊपर तो फिर वो मेजोरिटी के साथ डिसाइड किया जाएगा। तो अगर अपोजिशन को लगता है कि कोई ऐसा इशू था हुकूमत के खिलाफ तो अपोजिशन जो है वो उसको जस्ट मैनिपुलेट करना चाह रही है, तो वोटिंग के अंदर वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगेन जब उसके ऊपर कमीशन बनेगा, कमीशन बनाने वाले जो है वो कमेटी होगी, मुतलका जो कमेटी है, तो जो मुतलका कमेटी है उसका हेड कौन होगा, वो हुकूमत की तरफ से होगी, तो हुकूमत को इसका इशू नहीं है अपने पास। ठीक है। ओके बच्चों, मैं इसको एंड कर रहा हूँ आपके साथ।
अगेन नेक्स्ट ईयर होगा 7-10 पे हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो यही कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।